हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स बारे में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह क्या होता है, उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। और इसके लिए हमने एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब 20 क्वेश्चन हैं और सब एक जैसे हैं, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हम उठाते हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ा 3.2 एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन 13 हम लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, रेस्ट 6, 7, 8 सभी वही एडिशन वाले हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉज एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, और कह रहे प्रूव करिए, प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1। जरा समझिएगा, ये एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। क्योंकि ये जो साइन कॉज है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। जब हम एफ वाई करेंगे तो जहां एक्स है वहां क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाना चाहिए, एक्स प्लस वाई आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जरा हम इसको करने जा रहे हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का मतलब पूरा ही लिख दो, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0। एक मिनट, और 0 0 1 इंटू, जब एफ वाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई रख दीजिए। तो आएगा आपका कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। बस आप सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का तरीका आपको बताया गया है, जरा समझ लीजिएगा। देखिए यहां से लिख रहे हैं, क्या हमने बताया था कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होता है, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस लग जाएगा। तो आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहां क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहां पे आइए, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका ऐसे करेंगे तो आएगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, यानी माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसका जब इससे करेंगे तब भी माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और जीरो इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। यहां पर आइए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस एक्स इंटू जीरो साइन एक्स इंटू जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो आइए, फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो तो जीरो हो जाएगा। यहां पे आइए, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, यानी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस एक्स प्लस का प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक, यहां पे आइए, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू, यानी जीरो आएगा। यहां जीरो इंटू दिस प्लस जीरो इंटू दिस प्लस वन इंटू जीरो, जीरो आएगा, यहां वन आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ध्यान से, कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये है सॉरी कॉज ए प्लस बी का, ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस वाई, ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लो, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉज बी
प्लस कॉज ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा जीरो। यहां देखिए साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपका एफ एक्स लिखा है उसमें एक्स की जगह क्या आ गया है, एक्स प्लस वाई, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस वाई। तो दिस इज द 13th क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल तो नहीं हम कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अब जरा देखिए द राइटिंग समझ लीजिएगा, हम बार बार यही कहते हैं, इसके बाद हम 14th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 14 का सेकेंड पार्ट लेते हैं, रेंडमली हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट भी सेम है, एनसीईआरटी से देख लीजिएगा आप। 14 का सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन है कि शो दैट 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। पहले इसका मतलब क्या है, अब आप कहेंगे साहब ये तो क्वेश्चन मूव बना रहा है, वही बात बार बार लिखिए, जी नहीं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, एक बार इसको पलट दिया है, ठीक है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर मैं a इंटू बी करूं और b इंटू a करूं तो यह जरूरी नहीं है इक्वल हो, नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो वही हमको शो करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये नोट कर लेंगे आप, ठीक, हमारे पास तो नोट है इसलिए दोबारा नोट नहीं कर रहे, देखिए यहां पे आइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि प्लस 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू 3 प्लस 9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नियम मालूम है आपको मल्टीप्लाई का, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 प्लस 12। यहां पे आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां इसे मल्टीप्लाई करिए 0 इंटू 1 0 माइनस 1 प्लस 0, इसका इसे करेंगे तो आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0। यहां पे आइए 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0, यहां करेंगे तो 1 आएगा माइनस 1 आएगा प्लस 0, क्या करेंगे 0 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 0 आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा जल्दी में, कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो गया हो, बस हुआ नहीं होगा। 6 माइनस 1 5 आया 9 एवं 10 माइनस 2 8 आएगा, ये 14 आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू शो दैट राइट हैंड साइड वैल्यू विल नॉट बी द सेम, सम डिफरेंट वैल्यू यू विल गेट, ठीक है, ये LHS हो गया। अब RHS लेके चल रहे हैं, टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसे नोट कर लीजिए, ये नोट है आपके पास, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 प्लस 0, इसका इससे करेंगे तो आएगा -2 प्लस 1 प्लस 0, थर्ड कॉलम से करेंगे तो -3 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड का फर्स्ट से करेंगे तो आएगा 0, ये क्या लिख दिया हमने -1, सेकेंड का करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1, सेकेंड का इससे कर रहे हैं, इसका इससे करेंगे तो आएगा 0 माइनस 1 प्लस 1, थर्ड से करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड का फर्स्ट से करेंगे तो आएगा 2 प्लस 0 प्लस 4,
थर्ड का सेकंड से करेंगे तो आएगा 4 प्लस 3 प्लस 4, इसका ऐसे करेंगे तो 6 प्लस 0 प्लस 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 0 6 11 6। तो दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, भयंकर रूप से अलग अलग है, एक तो वैल्यू नहीं है, पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो a इंटू बी और b इंटू a, एक तो ये जरूरी नहीं संभव क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से इसलिए हो गया है, और ये इक्वल नहीं होते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके, इसके बाद बात करते हैं 15th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए रैंडमली कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 15th एक क्वेश्चन ए है, a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अरे ठीक है, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर मतलब a को a से मल्टीप्लाई करिए, टू टू वन जीरो वन माइनस वन, जरा मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 2 0 0 प्लस 0 माइनस 1 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 प्लस 2 प्लस 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 1 माइनस 3, आप कर लीजिएगा डाइड कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 2 माइनस 2 प्लस 0 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 माइनस 1 प्लस 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5, ये आएगा माइनस 1, ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा माइनस 2, ये आएगा 5, ये आएगा 0 माइनस 1 माइनस 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब होता तो चूंकि अगले क्वेश्चन में ए क्यूब है वो एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आपको निकालना किस चीज की वैल्यू, देखिए इसके आगे आप पढ़ेंगे। नाउ आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। देखो केवल 6 भी लिख सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट प्लस डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आई लिख देते हैं उसी ऑर्डर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। ए क्या है, ये आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6, और आई क्या होगी 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद का नियम आपको मालूम। ठीक है, देखिए बात का रूल क्या है आपका, इसको ऐसे लिखा रहने दो 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5 को अंदर ले जाओगे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को नहीं ले जा रहे हैं, अगर माइनस ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 10 5, ये आएगा 0 5 माइनस 5 5 15 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आप जानते हैं करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस हो जाते हैं,
फाइव माइनस टेन प्लस सिक्स, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट नाइन माइनस टेन प्लस जीरो, जीरो माइनस फाइव प्लस जीरो, ये तो ये वाला एलिमेंट हो गया। यहां पे आइए माइनस वन माइनस जीरो प्लस जीरो, माइनस टू माइनस फाइव प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस भी हो जाएगा, प्लस फाइव प्लस जीरो, टू माइनस फाइव ये माइनस फाइव होगा प्लस जीरो, फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो प्लस सिक्स। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया आपका पांच एक छह, सॉरी छह पांच ग्यारह दस हो गया, मिल जाएगा माइनस का वन, ये माइनस का फाइव, ये आएगा माइनस वन माइनस वन फोर, माइनस थ्री माइनस टेन और प्लस का फोर, तो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए क्यूब है, उसको अपने आप कर लेंगे, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सेम है, ए क्यूब करना है, अपने आप करेंगे। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन है, देखिए मैं रेंडमली बता रहा हूं, पहले बता रहे हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए इज इक्वल टू जीरो टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू जीरो, और आपको प्रूफ करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इन ब्रैकेट मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का, पहले मतलब समझ लें। मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होगी, ये पूरी जो रिजल्ट आएगा, इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और ये इसके कुल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, आई प्लस ए, आई का मतलब इसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, प्लस ए का मतलब ये लिखा हुआ है 0 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड 1, सॉरी 0, इसको जब प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 1 यही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, ये टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो यही आनी चाहिए, द सेम थिंग छुटका, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड निकालने की कोशिश करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड, आरएचएस टेकिंग आरएचएस टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है आपका, आई माइनस ए इन टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसका मल्टीप्लाई करेगा पूरे रिजल्ट में से, तो आई क्या यहां पर हो जाएगा 1 0 0 1, माइनस ए क्या यहां पर है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0, ये पूरा रिजल्ट आ गया, ये पूरा रिजल्ट यहां पर आएगा, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए इसको माइनस करना सीखा आपने, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में आएगा टेन अल्फा बाई टू, ये 0 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा टेन अल्फा बाई टू और ये आएगा 1, और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, जरा ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप,
देखिए वो रूल तो वही आप जानते हैं जो रूल है, इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू कॉज अल्फा क्या आएगा, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, इसका इससे करेंगे तो आएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस, इसका इससे करेंगे कॉज अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, इसका इससे करेंगे तो आएगा माइनस कॉज अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। अब चूंकि सिंपल कैलकुलेशन हो नहीं सकता इसलिए आप क्या करेंगे, इसको साइन कॉज में टेन को कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये कॉज अल्फा लिखा रहने दो प्लस ये साइन अल्फा है, इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, इसको माइनस कॉज अल्फा इंटू, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, यहां क्या है माइनस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इंटू, ये क्या आएगा साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, ये क्या लिखेंगे, ये साइन अल्फा लिख दो पहले, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा। अब क्या करेंगे कॉज अल्फा बाई टू एलसीएम लेंगे, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा हर जगह, इसीलिए जहां जाना ही है जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, यहां भी मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, यहां पे आइए माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, यहां करेंगे तो आएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, जरा कॉज समझ लीजिएगा कॉज लिखा हुआ है। देखिए जरा इस लाइन को देखिएगा एक से, इस लाइन को देखिएगा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, यानी ये लिखा है कॉज अल्फा माइनस अल्फा बाई टू होल अपान क्या लिखा है कॉज अल्फा बाई टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो आएगा ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, यहां देखिए साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, साइन ए कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी, कॉज अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, इसको जब खोलेंगे ये मैट्रिक्स है इसको जब खोलेंगे तो आएगा कॉज अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, यह आएगा साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, यह आएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू बस अपान कॉज अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू अपान कॉज अल्फा बाई टू, तो यह आ जाएगा आपका वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और यू वन, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज द प्रूफ। ओके ये क्वेश्चन नंबर आपका 18।
अब इसका 19th, 21 और 20 तीन और देख लीजिए। 19th में एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बुक पे आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी है और उसको 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, दो उसमें करना है। एक में उसका इंटरेस्ट 5% पर एनम है, परसेंट मतलब 100 रुपए में 5 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और एक में 7% मिलता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड बताइए कि वो किस प्रकार से इन्वेस्ट करें कि टोटल इंटरेस्ट 1800। देखिए, हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्स मान लिया और दूसरा हो गया 30,000 माइनस एक्स, ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ऐसे लाइन खींच रहा हूं। पहले में जो इंटरेस्ट है वो 5% पर ईयर है, पर एनम है, और एक में 7% पर एनम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए अगर आप जमा करते हैं, एक साल में जमा करना है, अगर 100 रुपए जमा करते हैं तो 5 रुपए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये फर्स्ट इसमें क्या होगा कि ऑन रुपीज 100 जो इंटरेस्ट होगा वो रुपीज कितना होगा? 5। ऑन रुपीज 1 इंटरेस्ट कितना होगा? 5/100, 1 रुपए पे इतना इंटरेस्ट, और एक्स रुपए पे मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सिंपल मेथड हुआ, मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन रुपीज 100 जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 7 रुपीज होगा, और ऑन रुपीज 1 इंटरेस्ट कितना होगा? रुपीज 7/100। यानी 1 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो एक साल के लिए इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और इतना रुपए इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन करना हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, और रिजल्ट लाइए चाहिए आपको। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए, पहले मैं एक्स और इसको लिख रहा हूं, ये मैंने एक्स लिख दिया, ये लिख दिया 30,000 माइनस एक्स। अब आपको मालूम नहीं कैसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, आपने लिख दिया 5/100 और 7/100, और रिजल्ट क्या है? 1800। जरा समझिएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो 1x1 की है, यानी ये जो मल्टीप्लाई होके आना चाहिए वो 1x1 की होनी चाहिए। इसका आर्डर क्या है? दो रो है और एक कॉलम है। इसका आर्डर क्या है? दो रो है एक कॉलम है, मल्टीप्लाई संभव नहीं है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम तो रट के गए थे क्वेश्चन को, तो हमने कहा भाई ये तो गलत कर दिया, इसको काट। देखिए, 1x1 कब आएगा? जब एक मैट्रिक्स 1x कुछ की हो और दूसरी कुछ क्रॉस 1 की हो, यानी 1x2 और ये मैट्रिक्स हो, यानी 1x2, एक रो और दो कॉलम। इसको कैसे लिखेंगे? x ऐसे लिखेंगे और 30,000 माइनस x ऐसे लिखेंगे। लिख दिया, इसमें कितनी रो है? एक रो है, कितने कॉलम है? दो कॉलम है, एक ये मैट्रिक्स होगी, और यहां क्या लिखेंगे? 5/100 और 7/100। इसका आर्डर क्या है? 2x1, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1x1 का हो जाएगा, इसलिए हमने गलत लिखा, ठीक है। जिसे आप मल्टीप्लाई करना सीख जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब देखो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर भी 1x1 है, इसका भी, अभी इक्वेट कर दो इसको उठा करके, ठीक है, ये लैंग्वेज लिखेंगे आप, इसको इक्वेट करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। एलसीएम 100 हो जाएगा, तो आएगा 5x प्लस 7×21, 1, 2, 3, 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 18, 1, 2, 3, 4, 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 21, 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू 18, 1, 2, 3, 4। इसको इधर ले आओ तो 21, 1, 2, 3, 4 माइनस 18, 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू 2x। ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 18 3, 1, 2, 3, 4, 2 को इधर ले आओ इज इक्वल टू x 15,000। यानी एक इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 15,000
और सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 30,000 माइनस एक्स यानी 15,000, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। 20 सेम है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये तो यूनिटरी मेथड है, हम जानते हैं एक चीज का दाम इतना है, 10 चीज का दाम निकालो मल्टीप्लाई करेंगे। वो दिखाना चाहते हैं कि आप कितनी रो और कितने कॉलम बना के रखोगे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वन क्रॉस वन का चाहिए। तो ध्यान से करिएगा, इसका 21 क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो 21 इज वेरी सिंपल, लेकिन लॉजिकल थोड़ा आप कह सकते हैं इसको। जरा देखिए 21 क्या दिया है। एक मैट्रिक्स एक्स है, उसका ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर है। एक एक्स मैट्रिक्स है वो 2×n की है, एक वाई मैट्रिक्स है वो 3×k की है, एक जेड मैट्रिक्स है वो 2×p की है, एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है वो n×3 की है, और एक p मैट्रिक्स है वो p×k की है। तो ज्यादा भयंकर मैट्रिक्स लिखी हुई है, और ये कह रहे हैं कि p×y = w×y। ये कब डिफाइंड होगा जरा समझिएगा, पहले तो इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। p का ऑर्डर क्या है? p का ऑर्डर है p×k, ठीक, और y का ऑर्डर क्या है? 3×k। ये मल्टीप्लाई हो सकता है कब? जब k की वैल्यू 3 के इक्वल हो। तो ये तो मुझे मालूम हो गया k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, और जो p×y निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? p×k। ये बात समझ में आ गई होगी। यहां भी आइए, w का ऑर्डर क्या है? n×3। y का ऑर्डर क्या है? 3×k। ये मल्टीप्लाई तो वैसे भी पॉसिबल है, तो WY का ऑर्डर क्या निकलेगा? n×k। अब ये दो मैट्रिक्स प्लस कब हो सकती है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये p×k है, ये n×k है, इसका तो p की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको देना है कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p की वैल्यू n होनी चाहिए। पहले हमने क्या किया? पहले मल्टीप्लाई देखा कि किस कंडीशन में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक। जब दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबिलिटी ले ली, फिर एडिशन की पॉसिबिलिटी देखी कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दिस इज द 21st क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो लॉजिकल क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नॉट सो टफ। बट एक होता है कि मैंने आंसर देख लिया और लिख दिया वेरी गुड, ऐसा नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ एन इज इक्वल टू पी, तो बताइए 7x-5z का ऑर्डर क्या हुआ? ये 7x, इसका ऑर्डर 2×n है, -2×p है। देखो अगर इसका ऑर्डर 2×n है, इसका 2×p है, दोनों को माइनस कब किया जा सकता है? तब किया जा सकता है जबकि दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो 2 तो मिल रहा है, n की वैल्यू किसके होना चाहिए? p। ये कंडीशन सही, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई, इसको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।